हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि रेगुलर बेसिस पे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बेहतरीन से बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी। तो आज की वीडियो है यूएई कंट्री की, दुबई की एक और फ्री रिक्रूटमेंट, और ये रिक्रूटमेंट है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो और लाइक बटन को तो जरूर प्रेस कर देना। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि आपका क्वालिफिकेशन क्या, एक्सपीरियंस क्या है, बिकॉज आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी लेके आ रहा हूँ। और आज की वीडियो है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए, और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में मेनली यहाँ पे रिक्वायर्ड है पाइपिंग इंजीनियर्स की, या पाइपिंग में और डिफरेंट डिफरेंट जो पोजिशंस होती हैं उन पोजिशंस का मेनली रिक्वायरमेंट है। प्लस स्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे पोजिशंस अवेलेबल हैं, प्लस और भी बहुत सारे बाकी पोजिशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करते हैं या आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में एंटर करने वाले हैं, दोनों ही तरीके से ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपसे जॉब के साथ साथ और भी काफ़ी कुछ बातें करने वाला हूं जिससे आप अपने करियर में आगे बढ़ सकें। तो आई होप अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, फॉलो कर लिया होगा और लाइक बटन पर तो ज़रूर प्रेस कर दिया होगा। और इसके साथ साथ जैसे कि आपको मेरे थ्रू फ्री रिक्रूटमेंट मिलता है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं और वीडियो भी आप पूरा पूरा देखते हैं, ये मुझे पता चलता रहता है। बिकॉज आप जो कर रहे हैं, आप जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं रेगुलर पे, हमारे वॉच टाइम इंक्रीज हो रहा है, आप लोग डेली आप वीडियोज देख रहे हैं, तो ये फ्री रिक्रूटमेंट आपको तो मिल रहा है, बट आपके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, जो अच्छी सैलरी कमाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस वीडियो को अभी पॉज करना है। पॉज करने के बाद इस वीडियो को आपको फेसबुक के ग्रुप्स पे शेयर करना है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है, व्हाट्सएप में ग्रुप्स पे शेयर करना है, व्हाट्सएप पे स्टेटस में लगाना है। और आपको पता है कि अगर कोई भी जॉब सर्च कर रहा है, चाहे वो स्टार्टिंग करियर में एंट्री कर रहे हैं, चाहे मिड करियर में, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड है, हर तरीके से हर किसी को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, बिकॉज हम आपको हर तरीके की जॉब वैकेंसीज लेके आते रहते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं वीडियो को करता हूँ शुरू। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि यूएई कंट्री की दुबई के लिए ये रिक्रूटमेंट होने वाली है, ऑयल एंड गैस की रिक्रूटमेंट होने वाली है। और इसके साथ साथ एक और अच्छी बात बता देता हूँ, यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जाने वाले हैं। ओके, एम्प्लॉयमेंट वीजा मीन्स वीजा एम्प्लॉयर दे रहा है, आप किसी विजिट वीजा या किसी दूसरे वीजा पे नहीं जा रहे, यू आर गोइंग ऑन एम्प्लॉयड वीजा। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी जॉब पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहली जो वैकेंसी अवेलेबल है वो पाइपिंग सुपरवाइजर की वैकेंसी अवेलेबल है, और पाइप यहाँ पे पाइपिंग सुपरवाइजर 30 पाइपिंग सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, और इनकी सैलरी होने वाली है 2500 एडी से लेके 5000 एडी तक। फिर दूसरी जो जॉब पोजीशन है वो है स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर की, जहाँ पे 30 स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है, और इनकी सैलरी भी 2500 एडी से लेके 3000 एडी तक होने वाली है। तो देखो काफ़ी अच्छी सैलरी है, काफ़ी अच्छी लार्ज नंबर में वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करो बहुत सारे लोगों के साथ, जिससे कि हर किसी को इस फ्री रिक्रूटमेंट का लाभ मिल सके और वो दुबई जैसी जगह पे जाके जॉब कर सके, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। अब जो अगली पोजीशन है क्यूसी पाइपिंग इंस्पेक्टर की। तो क्यूसी पाइपिंग इंस्पेक्टर में यहाँ पे 10 एम्प्लॉयज़ का रिक्वायरमेंट है, इनकी सैलरी 2500 एडी से लेके 4000 एडी तक होने वाली है। अगला जो पोजीशन है वो है स्ट्रक्चरल क्यूसी इंस्पेक्टर का, यहाँ पे भी 10 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, और यहाँ सैलरी रेंज होने वाली है 1800 एडी से लेके 4000 एडी तक। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल है, फटाफट इस वीडियो को शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों को इस फ्री रिक्रूटमेंट का लाभ मिल सके, वो लोग ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में एंटर कर सके और वहाँ पे अपना करियर बना सके। तो अगली जो पोजीशन है वो है स्टील सुपरवाइजर की, स्टील सुपरवाइजर में 30 वैकेंसी अवेलेबल है, और यहाँ पे सैलरी होने वाली है 2500 एडी से लेके 5000 एडी तक। देन स्टील क्यूसी इंस्पेक्टर की वैकेंसी अवेलेबल है, और स्टील क्यूसी इंस्पेक्टर की जो सैलरी रेंज होने वाली है वो है 1800 एडी से लेके 4000 एडी तक। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो मैंने सैलरी रेंज बता रहा हूँ, इस सैलरी के साथ साथ आपको फ्री फूड, फ्री एकोमोडेशन, फ्री मेडिकल, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, डेली ओवरटाइम एक्स्ट्रा मिलने वाला है,
वीकेंड का आपको ओवर टाइम एक्स्ट्रा मिलने वाला है, तो बहुत अच्छी सैलरी रेंज होनी है, बहुत अच्छी इनकम करने वाले हो, और साथ ही साथ ये एक फ्री रिक्रूटमेंट है, तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। फटाफट आप इस वैकेंसी को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, ताकि आप तो इस वैकेंसी का लाभ उठा ही रहे हो, बाकी लोग भी इस वैकेंसी का लाभ उठा सकते हैं। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, मैंने जितनी भी अभी तक आपको पोजीशंस बताई, अगर इन पोजीशंस पे आप जॉब करते हैं या फ्रेशर हैं, या जो जॉब पोजीशंस मैं बताने वाला हूं, या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो भी जॉब रिक्वायर्ड होता है, आप उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, बहुत ही लोएस्ट प्राइस में कर सकते हैं। मतलब जो लाखों के सर्टिफिकेशन होते हैं, वो बहुत लोएस्ट प्राइस में आप ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने रिज्यूमे का वेटेज बढ़ाएं, बिकॉज आपके रिज्यूमे में एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट की वैल्यू आ जाने वाली है, और लर्निंग्स तो मिलनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो मिलनी है, तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं, आपको जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, ऐसे प्रोग्राम जिनका डिमांड इंडिया के साथ साथ मिडिल ईस्ट के साथ साथ यूरोप में भी बहुत ज़्यादा है, तो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निश्चित से ये सर्टिफिकेशन कर सकती हैं, या आप ANDT से ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाला हूँ, वहां जाके जरूर चेक करो कि किस तरीके के प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ और कौन कौन सी जॉब पोजीशन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगली जो पोजीशन है वो है पाइपिंग फोरमैन की। 10 पाइपिंग फोरमैन की रिक्वायरमेंट है, 10 पाइपिंग फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे सैलरी होने वाली है 1800 AED से लेके 3500 AED तक। साथ ही साथ खाना, रहना, फूड, एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, डेली ओवर टाइम, वीकली ओवर टाइम, वीकेंड ओवर टाइम, ये सब भी आपको साथ साथ मिलने वाला है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। चलिए अब मैं बात करता हूँ अगली पोजीशन क्या अवेलेबल है यहाँ पे। तो अगली पोजीशन है पाइपिंग वर्क प्रिपरेटर की। यहाँ पे 10 वैकेंसीज अवेलेबल है, और इसकी सैलरी रेंज भी 1800 AED से लेके 3500 AED तक होने वाली है। देन अब मैं आपको जितनी भी वैकेंसीज बताने वाला हूँ, उन सबका सैलरी रेंज रहने वाला है 1800 AED से लेके 3500 AED तक, और हर एक जॉब पोजीशंस में, हर एक वैकेंसी में 10-10 पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो अब कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी पोजीशंस हैं जिसमें 10-10 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, और जिसकी सैलरी 1800 AED से लेके 3500 AED तक होने वाली है। साथ ही साथ खाना, रहना, फूड, एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, मेडिकल, और डेली ओवर टाइम प्लस वीकेंड ओवर टाइम, ये भी मिलने वाला है। तो ये पोजीशंस हैं स्ट्रक्चरल फोरमैन की, स्ट्रक्चरल वर्क प्रिपरेटर की, स्टील फोरमैन की, और स्टील वर्क प्रिपरेटर की। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, पाइपिंग से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की वैकेंसीज हैं, फ्री रिक्रूटमेंट है। इन सब में अगर आप जाना चाहते हो, आप इन सब में किसी भी एक फील्ड से बिलोंग करते हो, या आपका कोई नोन बिलोंग करता है, तो प्लीज उसको बोलो कि इस वैकेंसी पे अप्लाई करें, और इस वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आप मिस कर जाओ, जिसके कारण आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े, तो कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है, पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। अब अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ऑयल एंड गैस में, रिफाइनरी में, पेट्रोकेमिकल में, कंस्ट्रक्शन में, ऑफशोर में, ऑनशोर में, शिपयार्ड, मरीन, ड्राई डॉक, और इंडस्ट्रियल एंड EPC प्रोजेक्ट्स में। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है, इतना कुछ एक्सपीरियंस है, और इन पोजिशन से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इस वैकेंसी में, इस फ्री रिक्रूटमेंट में जरूर अप्लाई करें। और अब मैं बता देता हूँ कि इसका इंटरव्यू कहाँ होने वाला है। तो इसका इंटरव्यू होने वाला है मुंबई लोकेशन में, 9 सितंबर को इंटरव्यू होने वाला है, मंडे है 9 सितंबर को। और इंटरव्यू एड्रेस क्या है, इंटरव्यू एड्रेस है अनूप टेक, R84 MIDC रबाले, नवी मुंबई। तो ये एड्रेस बहुत कॉमन है, अक्सर इंटरव्यूज इस एड्रेस पे होते हैं, आपके लिए फ्री रिक्रूटमेंट के इंटरव्यू यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे आप ज़रूर जाओ, ये इंटरव्यू ज़रूर दो, एंड आई होप, आई विश कि आप यहाँ सेलेक्ट हो। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो, इट मीन्स आप इन पोजीशंस से, सिमिलर पोजीशंस पे काम करते हो, या आप इन पोजीशंस पे ही काम करते हो, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है इन किसी भी पोजीशन से, तो आप हमें कांटेक्ट करके ज़रूर बताएं कि आपका सिलेक्शन हुआ है, और अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है, तो उस केस में भी आप ज़रूर बताएं, बिकॉज ये फ्री रिक्रूटमेंट है।
अब मैं आपको कुछ मोबाइल नंबर बता देता हूँ जिसपे आपको संपर्क करना है अगर इस पोजीशन से रिलेटेड कुछ और डिटेल में जानना चाहते हैं। तो मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9962022350। एक मोबाइल नंबर और नोट कर लीजिए, 9840200861। मैंने ये दो मोबाइल नंबर दे दिए, इंटरव्यू का एड्रेस दे दिया, इंटरव्यू का डेट दे दिया और ये भी बता दिया कि कौन कौन सी पोजीशंस की वैकेंसी अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी गाइड किया है कि अगर आप जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट NIST से जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम कर सकते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। प्लस अगर आप रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको व्हाट्सएप पे ही अपडेट मिलता रहे। यहां पे अगर आप इस पोजीशंस के लिए जाते हैं तो आपसे एडमिन प्लस रजिस्ट्रेशन प्लस जो भी GST चार्जेस होते हैं वो आपसे चार्ज किए जा सकते हैं। तो इसकी जानकारी आप पूरी ले लेंगे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी रहे कि आपका अगर सिलेक्शन होता है तो क्या प्रोसेस होने वाला है और आपको किसी को पहले पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे थोड़ा भी डिमांड किया जाता है तो वो पैसा आपको बाद में देना होता है, आपका जब फ्लाइट टिकट वीज़ा आ जाता है उस समय देना होता है। पहले आपको इंटरव्यू अगर देना है तो उस समय आपको अपना पासपोर्ट जमा करना है, पासपोर्ट जमा करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको ये सैलरी ऑफर की गई, क्या आप जाना पसंद करेंगे? अगर आप बोलते हैं हाँ तो आपसे पासपोर्ट आपका रख लिया जाता है जिससे उसके ऊपर वीज़ा स्टैंपिंग कराई जा सके। अगर आप बोलते हैं नहीं आप नहीं जाना चाहते, आप इस सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं, इस पोजीशन से सेटिस्फाइड नहीं, इस कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपका पासपोर्ट तुरंत वापस कर दिया जाता है और आप दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए फिर ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आपको सब कुछ समझ में आता है, सैलरी समझ में आती है, कंपनी समझ में आती है, सब कुछ समझ में आता है, तो बाकी डिस्कशन आप वहाँ पे ऑन द स्पॉट कर सकते हैं कि आगे का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होने वाला है, किस किस तरीके से होने वाला है और आप यहां से यूएई तक, दुबई तक कैसे पहुंच सकते हैं। आपको सारी चीजें बहुत बारीकी से समझनी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।